नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये है यमहा MT50 BS6 मॉडल, यानी इसे हम लोग 2020 मॉडल भी बोल सकते हैं। और इस वीडियो में इसी के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं और क्या क्या नए चेंजेस हुए हैं, और साथ ही साथ इसका प्राइस कितना है और इसका ऑन रोड प्राइस कितना होगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। और ये BS6 के अपडेट के साथ आती है, तो कंपनी ने इसमें कुछ नए बदलाव भी किए हैं। और ये जो आप कलर देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इसका डार्क मैट ब्लू कलर है। और यमहा ने BS6 के अपडेट के साथ एक नया कलर लॉन्च किया है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल कलर के नाम से भी जानते हैं, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में, काफी डिफरेंट कलर लगता है देखने में। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां चाहेंगे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा कलर वेरियंट ज्यादा अच्छा लगा, जिससे कि हमको पता चल सके कि आप लोग किस कलर को ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजी और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है, वो आपको टेलीस्कोपी फॉर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिसपे आपको यमहा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा आपको कंफर्ट देने वाली है। और इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा, वॉक मिल जाएगा, डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जिसकी साइज है 282 mm का। इसमें आपको सिंगल चेन ABS मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक के बीच में आपको ABS फंक्शन देखने को मिल जाता है। गौर करिए कि इसमें आपको सिर्फ और सिंगल चेन मिलता है, इसमें आपको डुअल चेन नहीं मिलता है, इसलिए इसमें आपको रियर में ABS नहीं मिलेगा। और इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा, वॉक मिल जाएगा, 100/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो अलॉय व्हील मिलता है ना, वहाँ पे आपको ग्रीन कलर की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा लगता है नाइट में अगर राइड करते हैं ना, तो इसका जो साइड से लुक निकल के आता है, काफी अच्छा लगता है और काफी अट्रैक्टिव लगता है इसका लुक देखने में। और वहीं आगे बढ़ते और बात कर लेते इसके फ्रंट से लुक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट लुक मिलता है, वही सेम पहले की तरह मिल जाता है, जो कि पहले की तरह ही फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ आप नीचे देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी आपको ब्राइटनेस देने वाली है। और इसका जो साइड इंडिकेटर मिलता है, वो भी आपको बल्ब इंडिकेटर मिलता है, जैसा कि आपको पहले मिलता था। इसमें आपको 10 वाट का बल्ब इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। और एक बात दोस्तों, और आपको इसका फ्रंट से लुक कैसा लगता है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि हमको पता चल सके कि आपको ये बाइक कैसी लगती है। और वहीं आगे बढ़ते और बात कर लेते इसके हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड मिरर मिलता है ना, वही आपको स्पोर्टी वाला लुक मिल जाता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए, इसका जो लेफ्ट हैंडल बार है, यहाँ पे आपको लो एंड हाई बीम का स्विच मिल जाता है, पासिंग स्विच मिल जाता है, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाता है, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। स्विचेस क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और वहीं आगे बढ़ते और बात कर लेते इसके मीटर कंसोल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो मीटर कंसोल मिलता है ना, वही सेम देखने को मिल जाता है, जो कि R15 Version 3 में देखने को मिलता है, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, इसमें आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाता है, ABS इंडिकेटर मिल जाता है, और साथ ही साथ सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें राइट हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का इंजन किल स्विच के साथ साथ आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और एक बात और दोस्तों, इसमें आपको किक नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको सेल्फ मिलता है, जैसा कि आपको FZ में किक नहीं मिलता, वही सेम इसमें भी मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मिलेगा। और वहीं आगे बढ़ते और बात कर लेते इसके फ्यूल टैंक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्यूल टैंक मिलता है ना, काफी मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक के ऊपर आप देख सकते हैं काफी प्यारा सा ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्यूल टैंक मिलता है ना, वो आपको मैट ब्लैक कलर में और साथ ही साथ मैट ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो मिलती है, वो आपको 10 लीटर की देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर हम बात करें इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, इसका जो सीट की कुशनिंग मिलती है ना, वो भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। जो राइडर सीट है, वो भी आपको कंफर्ट मिल जाती है, और इसका जो पिलियन राइडर सीट है, वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। और दोनों साइड में आपको देखिए पिलियन ग्रैबरील देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफी मजबूत ग्रैबरील लगता है, जो कि साइड साइड में दिया गया है, पीछे नहीं दिया गया, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और वहीं आगे बढ़ते और बात कर लेते थोड़े से इसके इंजन के बारे में। तो इसका जो इंजन मिलता है, वो आपको वही सेम R15 वाला इंजन इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि मिलता है 155 cc का लिक्विड कूल 4-stroke 4-valve BS6 इंजन देखने को मिल जाता है। और इसका जो मैक्स पावर मिलता है, वॉक मिलता है 18.5 BHP का 10,000 RPM पे। और इसका जो मैक्स टॉर्क मिलता है, वॉक मिलता है 13.9 Nm का 8,500 RPM पे। इसका जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम मिलता है, वो आपको FI देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपकी जो फ्यूल इफिशिएंसी होती है ना, काफी अच्छी हो जाती है। इसका यूज ये होता है कि आपका जो पेट्रोल होता है ना, वो इंजन में इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग सप्लाई होता है, और उतना ही पेट्रोल सप्लाई होता है जितना कि आपको इंजन को जरूरत होती है। तो इसका सीधा असर आपके माइलेज पे देखने को मिलता है, तो आपका जो अब माइलेज मिलेगा ना, वो BS4 की अपेक्षा में और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए, आपको फ्रंट में आपको काफी बड़ा रेडिएटर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके रियर सेक्शन से। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो रियर सेक्शन आप देख सकते हैं ना, वो भी आपको काफी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए, आपको पिलियन फुटर्स देखने को मिल जाता है, इसमें आपको लेडी फुटर्स
देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक स्पोर्ट बाइक है, तो आपकी जो घर की लेडीज़ होती है ना इस पर थोड़ा सा कंफर्टेबल वो फील नहीं करेंगे, तो ये घर की लेडीज़ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि इसमें आपको लेडी फुटरेस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आफ्टर मार्केट इसमें आप लेडी फुटरेस इंस्टॉल कर सकते हैं। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके रियर सेक्शन से, तो यहाँ पे देखिए इसका जो टेल लाइट मिलता है वही सेम आपको फुल्ली एलईडी टेल लाइट देखने को मिल जाता है, जो कि छोटा सा टेल लाइट देखने को मिल जाता है जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। तो इसका जो फ्रंट से लुक मिलता है वो भी अच्छा मिलता है, जो रियर से लुक मिलता है वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए दोनों साइड में आपको एलो कलर का रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि BS6 के अपडेट के बाद सभी बाइकों के साइड साइड में देखने को मिल जाता है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा अपडेट किया गया है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका टेल लैंप, और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके रियर सेक्शन से, तो यहाँ पे देखिए इसका जो टायर मिलता है ना फ्रंट टायर से काफी चौड़ा देखने को मिल जाता है, तो आपको जो ग्रिपिंग मिलेगी ना काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो इसका जो रियर टायर मिलेगा वॉक मिल जाएगा 140/70/17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, जो कि रेडियल टायर है, तो आपको जो ग्रिपिंग मिलने वाली है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए आपको जो इसका रियर ब्रेक मिलेगा वो भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, जिसकी साइज है 220mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। गौर करिएगा इसमें आपको रियर में ABS नहीं मिलता है, क्योंकि ये सिंगल चेन ABS के साथ आती है, इसलिए इसमें आपको फ्रंट में ABS मिलेगा, इसमें आपको रियर में ABS देखने को नहीं मिलेगा। और इसका जो अलॉय व्हील मिलता है ना वो भी आपको काफी अच्छा लगता है, जो रियर अलॉय व्हील है उस पर भी आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर हम बात करें इसके रियर सस्पेंशन के बारे में, तो इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा वॉक मिल जाएगा मोनो क्रॉस सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको राइडिंग में काफी अच्छा कंफर्ट देने वाली है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका रियर सेक्शन, और यहाँ पे देखिए इसका जो एग्जॉस्ट मिलता है ना वही सेम R15 वाला एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको राइडिंग में काफी अच्छा साउंड दे देता है, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा फील कराता है। और वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको किक नहीं मिलता है, और यहाँ पे देखिए एग्जॉस्ट में आपको एक मोटा सा पाइप देखने को मिल जाता है, जो कि इसका कैटालिटिक कन्वर्टर है, जो कि BS6 के अपडेट के बाद सभी बाइकों के एग्जॉस्ट में देखने को मिल जाता है। इसका यूज बस इतना होता है जो आपका इंजन से पेट्रोल जलने के बाद जो घातक गैसें निकलती हैं उसे ये फिल्टर करके बाहर कम उत्सर्जित करता है, जिससे कि पर्यावरण में प्रदूषण कम होता है। तो ये BS6 के अपडेट के बाद सभी बाइकों के एग्जॉस्ट में देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा अपडेट किया गया है पर्यावरण को साफ रखने के लिए। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके चेंजेस, अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो ओवरऑल लेंथ मिलता है वॉक मिलता है 2020mm का, इसका जो ओवरऑल हाइट मिलती है वॉक मिलता है 1070mm का, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वॉक मिल जाएगा 170mm का, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफी अच्छा दिया गया है। और वहीं इसका जो व्हील बेस मिलेगा वॉक मिल जाएगा 1335mm का, और इसका जो सीट हाइट मिलती है वॉक मिलता है 810mm का। एक बात और दोस्तों, इसका जो सीट हाइट है ना थोड़ा सा ज्यादा है, तो जो शॉर्ट राइडर होते हैं ना उनको इस बाइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप बाइक को लेने वाले हैं तो बाइक को परचेस करने से पहले आप लोग इस बाइक का टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपके लिए ये बाइक कंफर्टेबल है या फिर नहीं है। और वहीं हम बात कर रहे थे इसके डायमेंशन के बारे में, तो इसका जो कार्बेट निकल के आता है वो निकल के आता है 138 kg का, ये बाइक देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया है, जो कि है 10 लीटर का। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका डायमेंशन, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका जो एक्सोरूम प्राइस निकल के आता है वो निकल के आता है 141,000 रुपए एक्सोरूम UP वाराणसी का प्राइस। और अगर हम बात करें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस निकल के आता है वो निकल के आता है 170,000 से 175,000 के बीच में, ये बाइक आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इस बाइक का एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको एजेंसी का डिटेल मिल जाएगा, वहां चाहेंगे तो डायरेक्ट एजेंसी भी कॉल करके इस बाइक का एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जान सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका प्राइस, अब बात कर लेते हैं इसके एडिशनल फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको मिल जाता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ देखने को मिल जाता है, जिससे कि अगर आपका साइड स्टैंड आपने नहीं हटाया है तो आपकी जो बाइक है ना तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक अपने साइड स्टैंड को नहीं हटा देते हैं आप। और इसका जो दूसरा फीचर्स मिलता है, इसमें आपको स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा फीचर्स देखने को मिल जाता है। और यही दोनों सेम फीचर आपको R15 वर्जन 3 में भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के चेंजेस, प्राइस जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये बाइक आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करते हैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आपको हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम ID शो हो रही है, वहां से आप चाहेंगे तो डायरेक्ट हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।